करें जी इंजन रूम। अभी इसमें प्यारा सा मेरे बॉयस का इंजन आएगा, देंगे इसके अंदर K3 पासो जो हमने इसको BBS लगा दी है 15 इंच, और गाड़ी क्या पीछे से मॉन्स्टर ड्रैग वाली प्रॉपर फील ले रही है। जी बॉयज अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मेरे बॉयज का क्या हाल है यार, आप लोग सब फिट है, आप लोग सब सेट है। तो ले बॉयज आपका भाई हाजिर है यार आप लोगों के स्टारलेट प्रोजेक्ट के साथ, जो कि यार एक नॉर्मल प्रोजेक्ट होने वाला है। आप लोगों को पता है कि ये डेली ड्रिवन प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग पासो स्वाप करने लगे। पासो जो कि 13 CC इंजन होता है, होता फ्रंट व्हील है, और हम उसको रेयर व्हील करके रश के गियर के साथ, जो कि रेयर व्हील गियर होता है उसके साथ पेयर अप करके बिल्कुल बोल्ट ऑन लगता है। तो ये है कि पासो का इंजन डालने का मकसद ये है कि यार छोटी सी गाड़ी यार इसी एवरेज आए, अच्छा सा AC चले, और मेरे बॉयस प्यार से जो है ना इस गाड़ी को चला के मजे ले सके। हर गाड़ी वैसी नहीं होती यार मेरे बॉयस, ये बन रही है यार फैमिली बिल्ड, सुकून वाली बिल्ड बन रही है। लेके जा रहे हैं गाड़ी, आप लोगों का बॉयज इसका इंजन स्वाप करते हैं पासो का। इसको हम लोगों ने बम्पर्स लगाने यार K70 वाले क्रोम, हमने इसके रिम्स लगाने बड़े कमाल से, मीन लाइक प्रोजेक्ट भी बड़ा कमाल सा होने वाला है। और ये कि आप लोगों के बजट के अंदर होने वाला है, एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट नहीं होने वाला, नॉर्मल प्रोजेक्ट होने वाला है। कलर तो आप लोग देख चुके हैं, हम इसको स्पोर्टेज मैरून कमाल सा कर चुके हैं। तो प्यारी सी यार बिल्ड बनाते हैं, ब्लॉग के साथ जुड़े रहें, आप लोगों ने बॉयज स्किप करने का नहीं सोचना। तो ले मेरे बॉयज जुड़ गए हैं, हम लोग आपकी स्टारलेट को चेक कर रहे हैं यार, होता कैसा लश बश, कितना प्यारा पेंट हुआ हुआ है। बोनट शोनट खोल रहे हैं, अली को मैंने भेज दी, मैंने कहा रैप शीट ले आ, जो ट्रांसपेरेंट रैप होता है, कितना प्यारा पेंट हुआ हुआ है यार। टेंशन होती है सारी गाड़ी ना रैप प्रूफ करें। भाई उसी रैप लाइन गए थी कितने रह जाता महंगा है, मैंने जी भेज दिया उसको रैप लेने के लिए। बोनट आ गया हमारा नीचे, इसको भी साफ सूफ करके अच्छे तरीके से मेरे बॉयज को रैप करते हैं, ताकि कोई स्क्रैचेस वचेस ना पड़े। चेक करें जी इंजन रूम, अभी इसमें प्यारा सा मेरे बॉयज़ का इंजन आएगा, वो स्वाप करेंगे इसके अंदर K3 पासो जो कि हम लोगों ने अपनी K20 के अंदर स्वाप किया था। उसकी पिक्चर मैं यहाँ लगा दूंगा, आप लोगों को याद आ जाएगा कौन सा प्रोजेक्ट, बड़ा वायरल प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट कोई 600 के व्यूज़ हैं इसके ऊपर। दोबारा इंजन आता है वो भी आप लोग खाते हैं। चलिए जी गाड़ी रैप हो रही है, क्या जब इस तरह का पेंट हुआ हो तो भाई रैपिंग बड़ी ज़रूरी है। एक फेंडर कर दिया रैप, दूसरी साइड का फेंडर जो है वो रैप कर रहे हैं फैजी भाई और मून भाई, ये चेक करें कि क्लीन स्वाप करना, तो यार गाड़ी भी क्लीन छोड़ा लेट जरा फाद है। तो चेक करें जी, हमने इसको BPS लगा दिया 15 इंच, और गाड़ी क्या पीछे से मॉन्स्टर ड्रैग वाली प्रॉपर फील ले रही है। और ये जा रही है हमारे इलेक्ट्रीशियन के पास, इलेक्ट्रीशियन साहब करेंगे इसकी वो वायरिंग होगी, वो सब इसकी गियर की वायरिंग होनी है वो करते हैं, और इस गाड़ी को मेरे बॉयज़ ऑन रोड लेकर आते हैं। फोन गिरता गिरता बच गया, और गाड़ी कैसी ऑन पॉइंट और मज़े की लग रही है। इंजन की फिटिंग भी ऑल कंप्लीट होगी हुई है, आगे रेडिएटर वगैरह रखना है वहीं पे रखेंगे इलेक्ट्रीशियन के पास। और चेक करें यार गाड़ी क्या बात है, माशाल्लाह से लुकिंग लिट बॉयज, लुकिंग लिट। देख के चलो
बोले जी वी आर हेयर। मैंने कहा अलाइनमेंट करा लें पहले गाड़ी निकालते साथ ही। सस्पेंशन तो आपको यहीं से नज़र आ रहा होगा, हमने चेंज कर दिया हुआ इसका फुल फ्रंट, और प्रॉपर अलाइनमेंट कराते हैं ताकि हम लोग जब इसका सेंसर का काम करवाएं ना तो आराम से ईजी होकर गाड़ी की ड्राइव मार सकें। तो बहरहाल गाड़ी बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, आपको भाई दिखाता है ज़रा रोशनी के अंदर भी। उधर तो लाइट नहीं थी, इधर चेक करें मेरे बॉयस, MG रेड कलर हो गया यार हमारी गाड़ी को, क्या माशाल्लाह लश्कारें मार रही, सारे रस्ते सारी वाम देखती हुई आई है। रिम्स को भी व्हील कम नहीं लगे, रिम्स को हमने 15 के डाले BPS, और क्या यार विंटेज प्रॉपर फील दे रही है। बैक लाइटें लगाएंगे ब्रांड न्यू, स्क्रीन वगैरह बम्पर इसको ब्रांड न्यू लेंगे। ले गाड़ी जो है ना मेरे बॉयस, बड़ी कमाल की बड़ी प्यारी सी हो जाती है। तो आप लोग साथ रहें, इसका सेंसर लगवाते हैं, प्रॉपर ड्राइव मारते हैं, इस ब्लॉग को तब ख़त्म करेंगे जब ये गाड़ी प्रॉपर रेडी हो जाएगी। कोटिंग करनी है रस्ट प्रूफिंग, उसके बाद गाड़ी जा रही है हमारी ये बॉयज पैकिंग के लिए। आज लगाने लगे हम इसको मीटर वगैरह, आउटर देख लें आप लोग मेरे बॉयज गाड़ी। इसको हम लोगों ने क्रोम बम्पर्स K70 वाले इंस्टॉल कर दिए हैं जो कि प्रॉपर फिटमेंट के साथ आए हैं। अभी तो गाड़ी बड़ी गंदी मंदी से लग रही होगी, बस 2 मिनट दें अभी यहाँ पे इसको वॉश करवाते हैं और मेरे बॉयज को यार इसकी कमाल सी लुक बनी हुई निकाल के दिखाते हैं साथ रहे। I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. कैसी टर्न आउट कर रही है आप लोगों की स्टारलेट, और भाई की मेहनत है यार माशाल्लाह धोई है बड़ी प्यारी सी इसने गाड़ी, और कमाल हो गया भाई, थम्स अप हो गया इस भाई को। चेक करें जी आप लोग जी BPS रिम्स फुल क्लासिक फील के साथ, आप लोगों का आ गया स्पोर्टेज मैरून कलर ऑन योर स्टारलेट मेरे बॉयज। यहाँ पे हम फेंडर मिरर इसको लगाने लगे, बड़े प्यारे से फेंडर मिरर मैंने देखे हुए, स्क्वायर शेप में आते हैं इस गाड़ी को, स्क्वायर शेप ही सूट करने वो लेके आते हैं। आगे इशारे लगने, लाइट्स में सोच रहे उसको DRL लगा दें, और बैक लाइट्स भी इसकी ओरिजिनल आई हुई है, उसके सिर्फ बैक वाले पार्ट जो हैं वो फिट होने। गाड़ी एक दफ़ा देखें मेरे बॉयज कैसे यार लश पश और मज़े में लग रही है। बैक पे थोड़ी मेहनत है, अभी बैक लाइट्स फिट होनी है, ये छोटा सा टचअप है, और बैक स्क्रीन फिट करते हैं इंशाल्लाह इसकी। और मेरे बॉयज गाड़ी आ रही है जगह के ऊपर, सीट्स आप लोगों को दिखा दूँ, सीट्स अंदर इसकी फिट हुई है, बड़ी प्यारी सी लग रही है सीट्स भी, ये चेक करें फुल क्रॉस स्टिच के अंदर डिज़ाइन दिया हुआ है सीट्स को हमने, वो पैक है ये ओपन है, बाकी भाई साफ करता है। लेके जाते हैं इसको मेरे बॉयज वर्कशॉप और लेके जाके यार इसके काम शाम कराते हैं, इस प्रोजेक्ट को भी आप लोग ख़त्म करते हैं। जो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे यार इस प्रोजेक्ट किधर गया, किधर गया यार, बिजी हो जाते हैं आपके भाई, पर ये कि इस प्रोजेक्ट को मेरे पास चेक करें क्रोम बम्पर कितना मजे का कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्रोम रिम्स और क्रोम बम्पर इस गाड़ी को यार माशाल्लाह लुकिंग स्मैक्स ही आ रहा है। आपको भी अच्छी लग रही तो नीचे कमेंट्स में बताएं।
feels like I am close to reaching my wit's end. Holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. इंटीरियर तरफ आ जाए तो जैसे कि प्रोजेक्ट कार्स होती हैं वही हालात हैं भाई। स्टीयरिंग बिल्कुल गंजा, अंदर मीटर नहीं और नो एलसीडी, नो नथिंग, नो कंसोल। तो चेक कर लें यार, ये इसलिए दिखाता है आपका भाई ताकि आप लोगों को बिफोर हालत नजर आ जाए। कोशिश आपके भाई के सर के ऊपर गिर रही है इसकी आके, पर कोई नहीं, करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इसको फुल सेट करेंगे। देख लें एक दफ़ा ये सारा सीन, इसको पूरा ट्रांसफॉर्म करके आप लोगों को दिखाते हैं। बहरहाल जा रहे हैं बिलालगंज, पहुँचते हैं। ऑटो गियर, पासो का इंजन और रश का गियर मेरे बॉयज, ये सारी इसकी डब्बियाँ डुब्बियाँ पड़ी हुई हैं। ये डब्बी पड़ी है, डब्बी पड़ी है शिफ्टिंग वगैरह के लिए इसकी। मतलब कोई सोच नहीं सकता कि ऐसी गाड़ी में किसी ने ऐसा सेटअप डाला होगा, अच्छी एवरेज वाला कमाल सा सेटअप। तो चलते हैं इसके लिए, इंशाल्लाह फेंडर मिरर भी मंगवाते हैं, इस गाड़ी को पूरे करने की तरफ आते हैं मेरे बॉयज़। और इंशाल्लाह ये चीज़ें लगवा के इसका ब्लॉग ख़त्म भी करते हैं ताकि मेरे बॉयज़ के लिए यार ब्लॉग थोड़े फास्ट हो सकें, ठीक है। गाड़ी पहुंच गई हमारे फैजी भाई के पास, चेक कर रहे थे मीटर अंदर आ रही है हमने 660 वाला, जिसके अंदर आरपीएम, स्पीड, पीआरएनडी, हीट और फ्यूल हर चीज़ की ऑप्शन होने वाली। मेरे बॉयस को इसकी फिटिंग बनाते हैं और स्टेयरिंग कवर भी लगाते हैं, मतलब इंटीरियर के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के ऊपर इसका काम करते हैं। और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी से मेरे बॉयज इसको पैकिंग के लिए भेजते हैं साथ रहे। मेरे पास यार बैक टू योर स्टारलेट प्रोजेक्ट, और सीन क्या है यार, हम लोग स्टारलेट लेके आए हैं। किधर लेके आए हैं? अपने अंकल के पास लेके आए हैं, बकर के पास लेके आए। चेक करें यार सेटअप बड़ा प्यारा सा कर दिया, अभी चलते हैं आपको रिम्स भी दिखाते हैं। सीन क्या है यार, सीन ये है कि यार हमारे टायर लगे हुए थे काफ़ी बड़े, अब मतलब प्रोफाइल बड़ी लगी हुई थी टर्निंग पॉइंट के अंदर ना, ये हमें थोड़ा सा तंग कर रहे थे। अभी टायर निकलवाएं ब्रांड न्यू आपके भाई ने, प्रोफाइल है छोटी, इसको लगवाते हैं गाड़ी के ऊपर। आप लोगों को सारी इसकी टर्निंग वगैरह चेक कराते हैं, और ये बड़ी जल्दी मेरे बॉयज़ ये गाड़ी आप लोगों की ट्रांसफॉर्म होने लगी है। इसका भी ब्लॉग आने लगा, जो लोग वेट कर रहे हैं ना कि यार ब्लॉग नहीं है, तो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी इसका ब्लॉग आ रहा है। टायर चढ़वाते हैं और आप लोगों को इसकी लुक चेक करवाते हैं। तो जी चेक करें यार, प्रोफाइल छोटी हो गई है, और यार अब हम इस गाड़ी को लो कर सकते हैं। पहले सिर्फ टेंशन ये थी कि यार गाड़ी हमारी लो नहीं हो सकती थी, पिते पिते से टायर लगा दिए हैं, सुकून से हम इसको लो करेंगे। आगे भी भाई ने लगा दिया टायर, अब इसको डाउन करते हैं और आप लोग खाते हैं कि फिटमेंट क्या आ रही है। बड़ी ऊपर होगी गाड़ी अभी, पर बहरहाल हम फिर इसको लो करेंगे और देखें फील क्या थी। सब थोड़ा सा हटिएगा भाई। तो ले जी गाड़ी हमारी नीचे आ गई है, वाया बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, अब वाया काम करना पड़ेगा इसका। अली साहब थोड़ा सा हटिएगा, अभी बीच में इसका कवर लगाते हैं दोनों साइडों के ऊपर, ये चेक करें मेरे बॉयज। आप प्यारी फील आ रही है यार, क्यों ली साहब, मज़ा आ रहा है ना, आप प्यारी लग रही है यार गाड़ी माशाल्लाह। तो ले जी इट्स ऑल डन, गाड़ी नीचे, बीबीएस कवर्स चेक करें, चारों तरफ से काम हो गया हुआ, ये चेक करें बीपीएस इधर भी लग गया काम, वो वाला काम जो हमारा भी वर्कशॉप पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह भी लेके जाएंगे वो भी लगाएंगे। और बैक पे मेहनत मांग रही है, स्क्रीन लगानी है, बैक लाइटें लगानी है, बम्पर की फिटमेंट पूरी प्रॉपर करनी है इसकी, बस इंशाल्लाह मेरे बॉयज़ को कंप्लीट करते हैं, आप लोग साथ रहें। चले मेरे बॉयज़ बैक टू योर स्टारलेट प्रोजेक्ट, और चेक करें यार फेंडर मिरर ले आए हैं, जो कि KP60 के ओरिजिनल जो साइड मिरर होते हैं ना स्क्वायर शेप के अंदर, वो जो होते हैं वो वाले आ गए मेरे बॉयज़। चेक करें यार कैसे मज़े के लग रहे हैं, ये फिट करवाते हैं, इसके अंदर इसकी हेडलाइट्स पड़ी हुई हैं, ये चेक करें। अब इसको भी निकालते हैं, अनरैप करते हैं, मतलब ऑल ब्लैक फील होने वाली, ब्लैक ग्रिल, बैक लाइट, ब्लैक भी हेडलाइट्स पूरी DRL वाली, और साथ ही साथ फेंडर शीशे लगने लगे, प्रॉपर फील आने वाली मेरे बॉयज़। आप लोग की जो है स्टार्टर पड़ जाएगी बड़ी जल्दी यार, ब्लॉग भी अपलोड करेंगे, उसके अंदर काफ़ी ढेर सारा डाटा हो गया मैं, मुझे पता है, पर आप लोगों को भी मज़ा आएगा देख के यार इतने टाइम की मेहनत मेरे बॉयज़ को एक ब्लॉग में देखने को मिलेगी। दोबारा हाल आप इसकी लुक जो है पूरी सेक्सी मैक्सी से करते हैं आप लोगों के लिए खास, और चेक कराते हैं। फेंडर मिरर हमारे दोनों साइड के हो गए फिट, अभी प्रॉपर फील नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, हमारी हेडलाइट्स की वजह से फील नहीं आ रही। आप लोगों को याद होगा हमारी FJ को जब तक ब्लर लाइट्स लगी हुई थी ना, गाड़ी की लुक नहीं बन रही थी। अगर हेडलाइट्स चेक करें तो अली साहब के हाथ में भाई इधर लाइट दिखाइएगा इधर करके, ये चेक करें बोले जी ब्लर लाइट जो है वो हैदर साहब के हाथ में जो जेनवन है, और हम जो लाएँ DRL लाइट वो आप लोगों को काफ़ी नज़र आ रही है। इसके चलते हुए कि भी वीडियो मैं लगा दूंगा, लास्ट जब मैंने देखने और लेने गया था मैंने वीडियो ज़रूर बनाई थी। ये चेक करें जी बॉयज़ लाइट, और आज स्टारलेट प्रोजेक्ट जो कि हम लोगों ने कर दिया है भाई, MG नहीं स्पोर्टेज में रूम, उसके ऊपर चेक करते हैं ये ऑल ब्लैक लाइट्स कैसी लगेगी यार, लाइट तो अच्छी है। ये चेक करें लाइट चलाएँ जी, ये फुल चल रही है हाफ, ठीक है, ये लो आ गई है, ये फुल आ गई है, और साइड के रिंग से लाइएगा,
येलो रिंग है इसके अंदर, व्हाइट भी कर सकते हैं, येलो भी कर सकते हैं। जबरदस्त यार लगी भी जाए ना गाड़ी की लुक बड़ी प्यारी हो जानी है इसमें। उसमें DRL लाइट बड़ी प्यारी चलती है, इशारा बड़ा प्यारा चलता है, ये कि गाड़ी की लुक फुल इनहेंस हो जानी। चेक करें ऑल ब्लैक फेंडर मिरर, इसको मैं चाह रहा हूँ बॉडी कलर कर दूँ सेम और आगे लाइट्स लग जाएँ। बैक लाइट्स इसकी आ रही हैं, बैक स्क्रीन आ रही है बड़ी जल्दी मेरे बॉयज, आप लोगों की गाड़ी कंप्लीट हो रही है। तो ले बॉयज यार चेक करें यार, आप लोग की शार्लेट को यार कंपाउंड करें, छोटी मोटी टचिंग थी इसके अंदर वो हमने ऑलमोस्ट कर दी हुई है, अभी डिम हुई हुई है आप लोगों की गाड़ी। ये पीस चेक करें फुल डिम है और ये पीस चेक करें फुल शाइन है। बैक के ऊपर बैक लाइटें लग गई, बैक बम्पर लग गया यार, गाड़ी होने वाली कंप्लीट। और मैं सोच रहा हूँ कि यार इस व्लॉग को कर देंगे ख़त्म, क्योंकि स्वैप से ये व्लॉग चल रहा है, ठीक है इस व्लॉग करेंगे यहाँ पे ख़त्म, नेक्स्ट व्लॉग शुरू अभी नहीं ख़त्म करेंगे, ये शाइन पूरी दिखा के आप लोगों को प्यारी सी तस्वीरें पिक्चर वीडियोस बना के मतलब अच्छे कंटेंट के साथ इस व्लॉग को हम लोग ख़त्म करेंगे। और नेक्स्ट व्लॉग होगा इसकी इंटीरियर पैकिंग का, कोशिश का, और जितने भी छोटे मोटे शशके और हैं वो करके इंशाल्लाह फिर ये गाड़ी ये भी हमने डिलीवर करनी है। तो मेरे वो इस फाइनल लुक करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं साथ में। तो ले मेरे बस यार चेक करें, पड़ गई शाम निकाल नहीं सके, कल इंशाल्लाह डे टाइम में गाड़ी निकालते हैं, चेक कराते हैं कैसे लश्कारे मार रही है गाड़ी। चेक करें पीछे से आगे से साइडों से सारी गाड़ी मेरे बॉयज़ को नज़र आ रही है, जैसे कैंडी रेड हम लोगों ने मारा था ना इसको पेंट, स्पोर्टेज मैरून कैंडी रेड कह रहा हूँ उसको, वैसे ही यार पूरी प्रॉपर फील के अंदर गाड़ी हमारी वापस फ्रेश होकर आ गई हुई है। लाइट थोड़ी सी काम है, इसको थोड़ा सा बर्दाश्त करें, कल इंशाल्लाह आप लोगों का ना प्रॉपर शाइन चेक करें आप लोग, बस मज़े देखें। यहाँ से आप लोगों को आगे की शाइन सारी नज़र आ रही होगी, बैक पे लाइट की कमी है, इंशाल्लाह कल डे टाइम में बाहर निकालते हैं प्रॉपर साफ करके दोबारा से। ये ग्रिल रहेगी भी, इसकी ग्रिल पेंट करवाते हैं, ब्लैक करवाते हैं पूरी प्रॉपर, ऑल सेट हो जाएगी आप लोगों की स्टारलेट यार। आउटर इसके व्हील कप लगने, गाड़ी फुल सेट वेट, और इसको मेरे बॉयज हम लोगों ने ले जाके गाड़ी को करवा देना है पैक यार। तो आप लोग साथ रहें। तो ले मेरे बॉयज यार चेक दिस आउट यार, आप लोगों की शार्लेट होगी ऑन पॉइंट। चेक करें जी BBS रिम, आप लोगों का स्पोर्टेज मैरून कलर, और चलते हुए आए तो चेक करें यार क्या फील से ए रही है। मिरर्स लगा दिए, मैं इसके लिए सजेशन दें कि मिरर को हम सेम कलर कर दें स्पोर्टेज मैरून वाला, तो वो यस बोल दें नीचे कमेंट्स के अंदर। ग्रिल अभी आपके भाई ने इसकी करनी, छोटी छोटी चीज़ें हैं, फेंडर इशारे हैं, ग्रिल रीडू करेंगे, रीपेंट करेंगे, और छोटी छोटी चीज़ें जो माइनर माइनर रहती हैं, पर आप लोग चेक करें कंपाउंड हुई है गाड़ी रिसेंटली, कैसी फील दे रही है, प्यारी फील दे रही है, तो वो नीचे कमेंट्स में बताएं यार। चेक करें आपके भाई से जो भी गाड़ी तैयार होती है ना वो फुल लश पश फील्स के अंदर ही आ जाती है। अभी इंटीरियर के लिए इंशाल्लाह हम लोगों ने दे देनी है, आप लोग क्वालिटी चेक करें पेंट वर्क की, पेंट हुए हुए भी इसको काफ़ी टाइम हो गया बट स्टिल पेंट की शाइन चेक करें। बैक चेक करें, बैक पे इसकी ओरिजिनल लाइटें ढूंढी हैं, बड़ी मुश्किल ढूंढी हैं यार, टूटी फूटी लाइटें ही थी वो, मैं इसकी जो पिक्चर वीडियोस थी वो मैं ऐड कर दूंगा साथ ही, पता चले आप लोगों को ये गाड़ी किस हाल में आई थी। टूटी फूटी बैक लाइट्स थी, बम्पर इसके अपने नहीं थे, बम्पर हमने इसको K70 वाले बम्पर लगाए हैं ऑल्टर करके, अभी इसमें भी थोड़ी बहुत ही ऑल्ट्रेशन माइनर है, पीछे टिप नहीं लगेगी। और चेक करते हैं यार BBS रिम मेरे बॉयज़ को कैसा मज़े का लग रहा है यार। इसकी टायर प्रोफाइल भी हम लोगों ने लास्ट टाइम चेंज कराई थी, और व्लॉग यार ये मेरे बॉयज़ काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा, हमने जब स्वाप शुरू किया था आई थिंक सो तब से शुरू हुआ हुआ है व्लॉग, और तब से ये व्लॉग मेरे बॉयज़ ये चल रहा है। तो यार आज इस व्लॉग को कर देते हैं ख़त्म और आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं। अगर मेरे बॉयज़ को यार स्टाइलर प्रोजेक्ट, इसका स्वाप, इसका पेंट, इसका सारा सीन मज़े का लग रहा है मेरे बॉयज़, ये जो लश पश काम का भाई कर बैठा हुआ है यार एक स्टाइलर के ऊपर, कौन करता है यार ऐसा काम। तो ले जी कौन करता है इतना लश पश फील्स वाला एक स्टाइलर के ऊपर यार, जो कि एक गाड़ी आई थिंक बहुत ही नॉर्मल प्राइस की गाड़ी है, उसके ऊपर कौन इतना लगाता है, आपका भाई लगाता है। ऐसे 500 का इंजन इसके अंदर, अंदर चलते हैं पीछे जरा शोर शराबा है इसके अंदर मेरे बॉयज़, 500 का इंजन, रश का गियर, और अभी इंटीरियर काम रहता है मेरे बॉयज़ इंटीरियर से भी, आपका भाई आप लोगों को नहीं दिखाएगा फुल प्रॉपर तरीके से, तब दिखाएगा जब काम करके। बहरहाल बिफोर आप लोग देख लें, अंदर हमारा 660 cc वाला मीटर, ऑटो गियर, आप लोगों की ब्रांड न्यू सीट्स, नीचे कोटिंग शोटिंग सारी हमारी होगी भी है, लगने डोर कार्ड्स, अंदर डैश पूरा होना है जस्ट लाइक हम लोग अपनी गाड़ियों का यार सीन ऑन करते हैं, सीन रेडी करते हैं उस तरीके से सारा का सारा काम होना है मेरे बॉयज इसका यार। अंदर पूरा लश रूम कर देना हम लोगों ने इस गाड़ी का, जैसे स्पोर्टेज मैरून बाहर फील आ रही है, अंदर का हम लोगों ने ये जो वीजल डार्क मैरून कलर है ये यूज़ करना है, पूरा ब्लैक और पूरा वीजल का हम लोगों ने पूरा कंट्रास्ट दे देना है मेरे बॉयज इस गाड़ी के ऊपर। तो यार मेरे बॉयज व्लॉग को करते हैं जल्दी से ख़त्म और आप लोगों के लिए इसको करते हैं अपलोड। मेरे बॉयज को यार अगर स्टाइलेट प्यारी लग रही है तो यार मेरे बॉयज वीडियो को लाइक ठोकें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आपने भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट कराना है तो अपने भाई का नंबर ले लें 0332-476-3474, भाई से रब्ता करें और पुरानी सी गाड़ी लेके आएँ और ऐसी लश फश नई गाड़ी ले आए, अभी ये प्रॉपर फील्स में नहीं है मेरे बॉयज़, आप लोग बताएं प्रॉपर फील्स में आने के लिए इसके अंदर भी थोड़ा टाइम है, पर बहरहाल प्रॉपर फील्ड में लाएंगे, रिव्यू मारेंगे, इससे भी प्यारी फिनिशिंग के अंदर होगी गाड़ी। तो मेरे बॉयज़ अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।
Thank you.